हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रतीक्षा और आज हम बात करेंगे यूपी एलटी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट के सिलेबस ज्योग्राफी की कि ज्योग्राफी में आता क्या क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ज्योग्राफी है वो सोशल साइंस का ही पार्ट है और इसमें तीन और सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। ये चारों को कम्बाइंड करके ही सोशल साइंस बोला जाता है। और जो आपका एलटी ग्रेड में पेपर होगा उसमें आपके जो ग्रेजुएशन में हैं वो दो सब्जेक्ट होने चाहिए, दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी का हो या ज्योग्राफी पॉलिटी का हो। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन से दो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका एग्ज़ाम का पेपर आएगा उसमें चारों सब्जेक्ट के पार्ट दिए जाएंगे, तो जो आपके दो सब्जेक्ट होंगे तो आपको उन्हीं को अटेम्प्ट करना है, उन्हीं को सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए 120 क्वेश्चन होंगे टोटल, तो 60-60 चारों सब्जेक्ट से होंगे, तो आपको जो आपके दो सब्जेक्ट हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करना है, टोटल 120 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं कि हमने अगर हमारे पास पॉलिटी नहीं था तो हम पॉलिटी का कैसे करेंगे या ज्योग्राफी नहीं था तो ज्योग्राफी का कैसे करेंगे। तो आपको सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करनी है। और आगे बात करते हैं कि जो ज्योग्राफी है तो इसीलिए मैंने जो सिलेबस है वो भी फोर पार्ट्स मतलब अलग अलग ही मैंने अपलोड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी का अपलोड किया, इसके बाद मैं आगे भी अपलोड करूँगी, तो आप मेरे जो वीडियोज़ हैं उसको देखते रहिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जो भी और भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ज्योग्राफी के सिलेबस से कि क्या क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन स्टडी बाइट्स को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिले।